गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे करंट अफेयर ऑफ 10th 11th नवंबर 2022। तो करते हैं स्टार्ट। 15वीं एशियाई एयरगन चैम्पियनशिप 2022 दक्षिण कोरिया में शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई है? दक्षिण कोरिया में। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बना केरल। कौन सा बना? केरल। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया की फिल्म आत्मा एंड ऑस्कर से IFFI की शुरुआत होगी। किससे होगी? आत्मा एंड ऑस्कर फिल्म से। राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की। किसने की है? राजस्थान सरकार ने। जस्टिस TY चंद्रचूड़ ने देश के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। किसने लिए? जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। तोखो एमोंड बर्ड काउंट की मेजबानी नागालैंड करेगा। कौन करेगा? नागालैंड। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी। कौन सी कंपनी उभरी है? रिलायंस इंडस्ट्री। शेन वाटसन ने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी है? शेन वाटसन ने। तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मनाया गया 10 नवंबर को मनाया गया। 2023 में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। T21 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कोच्ची में होगा। वडोदरा ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। मिस्र में COP27 में जलवायु के लिए मैनग्रोव गठबंधन में भारत शामिल हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।